नमस्कार और वेलकम दोस्तों। तो आप लोग अपनी बेइज्जती करा आए हो, इसका मतलब यही है। सिविल स्कोर जानने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं कोई अहित हुआ है, या तो बैंक आपको लोन फिनांस नहीं किया, या फिर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेने गए हो, चाहे वो मोबाइल हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, और उन लोगों ने आपको फिनांस करने से मना कर दिया। देखो दोस्तों, मैं आपको चार ऐसे नियम बताऊंगा, यदि आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 110% आपका सिविल बहुत 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 अच्छा होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक आज का कि सिविल क्या है और सिविल कैसे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको मजा आएगा। अंत में मैं बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो यदि मिस हुआ तो फिर भैया आपको नुकसान होगा। सबसे पहली बात करेंगे सिविल क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों बैंक ने अपने कस्टमरों पे एक पाबंदी लगा दिया है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आपको लगता है कि आपके एक अकाउंट में बहुत अच्छा क्रेडिट है और दूसरे में ख़राब है, तीसरे में ख़राब है, तो आपका सिविल अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। सिविल का मतलब हुआ आपके आधार कार्ड से ही लिंक हो जाता है कि भैया किसी भी बैंक में यदि आपका सिस्टम ख़राब है, भले ही आप नया अकाउंट क्यों ना खुलवा लें, वो सिविल स्कोर आपका जितना कम होगा उतना ही दिखाएगा। यानी किसी भी हाल में आप देश को, हमारे गवर्नमेंट को और किसी भी बैंक को ठग नहीं सकते। ये इंडिया और ये जो बैंक पद्धति है ये नई दौर से गुजर रही है। दोबारा वो नहीं चाहेगी कि नया कोई नीरव मोदी पैदा हो। तो यदि आपका सिविल खराब है तो इसको कैसे सुधारें। देखो दोस्तों, पहला है कि आप एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। मान लेते हैं कि किसी के पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास स्टेट बैंक का है, किसी के पास बैंक ऑफ इंडिया का है, तो क्यों करें। क्रेडिट कार्ड एक ही बनाइए, अच्छे से बनाइए, उसी को फॉलो कीजिए, अच्छा इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि छोटा मोटा क्रेडिट एनी टाइम जितना आप ले सकें, आपके सिविल स्कोर पे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ सौ समय उसे लौटाइएगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि पुराना जो भी चल रहा लोन है आपका, पुराना चल रहा यदि लोन है कोई, तो आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। और यदि वो ख़त्म हो जाता है तो उस बैंक मैनेजर के पास जाएं और उससे विनती करें कि साहब मैंने तो आपका सारा बकाया चुका दिया है, तो मेरे सिविल स्कोर को अच्छे कर दें या फिर उसको सुधार दें। अब आप सोचिएगा कि भैया बैंक वाले को डायरेक्ट बोल के सोचेंगे कि मेरी सिविल अच्छी हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिविल ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो खराब होते चले जाएगी आपकी। तीसरा है, यदि आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं, बड़ी गेम खेलना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए FD करवाएं। FD आप 30,000 से 40,000 का करवा लीजिए कम से कम, और उतना होने के बाद उसके आगे जो भी पैसे होते उसका लेन देन कीजिए। बैंक भी देखता है कि भैया इसकी तो FD भी है, इसका क्रेडिट भी है, तो चलो इसको लोन दे देते हैं, और ये प्रोसेस हो जाता है, आपको तुरंत ही आपकी सिविल स्कोर बढ़ जाती है। यदि आपको इंस्टेंट सिविल स्कोर अच्छी करनी है तो आप FD कराइए। ये वन एंड ओनली बेस्ट आइडिया है जिससे आपकी सिविल स्कोर बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा और मैं भी इसी को प्रेफरेंस देता हूँ। मेरे साथ भी ये घटना घटी। मुझे एक मोबाइल लेना था कि भाई यूट्यूब पे हम काम करेंगे, 30,000-40,000 का मोबाइल मुझे फाइनेंस करने गए। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे पिताजी के नाम से था, मैंने कहा कि भाई देखिए ज़रा, तो उसने कहा कि सर आपका सिविल अच्छा नहीं है, और सिविल अच्छा नहीं तो आपको हम मोबाइल फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो गलत चीज़ है, ये चीज़ आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, इसको फॉलो करें और अपनी सिविल को आगे बढ़ाएं, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा। यदि 500, 600, 650 भी आपका सिविल स्कोर है तो भी आप अच्छे बैंक से या अच्छी बड़ी रकम लोन नहीं ले सकते। यदि 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है तो ही आप अच्छे खासे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अच्छी खासी आप भविष्य में किसी चीज़ को फाइनेंस के तौर पर ले सकते हैं या कर्ज के रूप में ले सकते हैं। एक बात ज़िंदगी में याद रखें दोस्तों, बिना कर्ज के लोग आगे नहीं बढ़ता है। यदि आप सोचिएगा जीवन में कि मैं 10 रुपये पहले जमा कर लूँगा फिर कुछ करूँगा, ऐसा नहीं होता। बेटी की शादी, मरण और कोई भी इम्पोर्टेंट काम लोन बिना नहीं होता। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी को भी लोन लेना पड़ा है।
आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए FD कीजिए, यही एक मात्र ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आप आदेश करें, मैं उस पर खड़ा हूं उतरने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जल्दी मैं सिमुरतला आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो भी मेरे नए हैं व्यूअर्स वो प्लीज़ सब्सक्राइब